अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मैं हूँ ज़ारा और मैं अपने चैनल पर आपके साथ शेयर करती हूँ डिफरेंट आई मेकअप लुक्स, प्रोडक्ट रिव्यूज़, डेली व्लॉग्स, मेहंदी डिज़ाइंस। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ग्रीन हेलो मेकअप लुक। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैं सारे कलर्स ग्रीन फैमिली के ही यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं एक लाइट ग्रीन शेड लेकर ब्लेंडिंग ब्रश से अपने क्रीज एरिया में अप्लाई कर रही हूँ और उसके साथ साथ आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई कर रही हूँ। हम हेलो मेकअप कर रहे हैं तो इसमें हमारा आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर डार्क होता है। फर्स्ट शेड के एप्लीकेशन के बाद मैंने ग्रीन के एक सेकंड शेड लेकर अप्लाई की है सेम एरिया पे। मेक श्योर के हेलो मेकअप के लिए आपके आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर को डार्क होना चाहिए, सो इसलिए मैं दोबारा से ग्रीन शेड लेकर अप्लाई कर रही हूँ दोनों कॉर्नर्स पे। ग्रीन शेड के एप्लीकेशन के बाद मैं एक छोटे ब्रश से ब्लैक शेड अप्लाई करूंगी क्रीज एरिया में। ब्लैक शेड मैं एक ही दफ़ा में अप्लाई नहीं करूंगी बल्कि जितनी ज़रूरत होगी उतना लेकर अप्लाई करूंगी और उसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश से स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लेकर ब्लेंड कर दूंगी सेम एरिया पर। इस एरिया पर डार्क शेड अप्लाई करने का मतलब होता है कि हम अपनी क्रीज को डीप दिखाना चाहते हैं। सो उसके बाद मैं ब्लैक शेड को लेकर आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर पर भी अप्लाई करके ब्लेंड कर दूंगी। तमाम शेड्स के एप्लीकेशन के बाद मैं एक फ्लफी ब्रश लेकर शेड्स को दोबारा से एक बार ब्लेंड करूंगी। अब मैं एक मेटालिक शेड लेकर अपने मिडल लिड पर अप्लाई कर रही हूँ। ये भी ग्रीन की फैमिली से ही है, एज यू सी इट्स अ पैरेट ग्रीन। सो इसको मैंने अप्लाई कर दिया है अपने मिडल लिड पर। उसके बाद फिर से मैं सेम ग्रीन शेड लेकर जो मैंने सेकेंड नंबर पर अप्लाई की थी वो ब्लेंड करूंगी मैं अपने पूरी आई पर, मींस आउटर कॉर्नर, इनर कॉर्नर, क्रीज लाइन। उसके बाद मैं ब्लैक काजल लेकर वाटर लाइन पे भी अप्लाई करूंगी और लोअर लैश के साथ भी अप्लाई करूंगी लोअर लैश को एक स्मोकी इफेक्ट देने के लिए। लोअर लैश के साथ स्मोकी इफेक्ट देने के लिए मैंने ब्लैक आई शेडो यूज़ किया जिसे मैंने फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई किया है और उसके साथ मैंने हल्का सा विंग भी क्रिएट किया लोअर लैश लाइन के साथ। अब मैं लाइनर अप्लाई करूंगी। लाइनर को मैं छोटे छोटे स्ट्रोक्स में अप्लाई कर रही हूँ बिल्कुल लैश लाइन के साथ साथ। उसके बाद जब लैश लाइन के साथ अप्लाई हो जाएगा तो मैं विंग क्रिएट कर लूँगी। विंग को मैं लोअर लैश लाइन के साथ भी कनेक्ट करूँगी ताकि कोई भी चीज़ अलहदा ना लगे। विंग को फिल करने के बाद मेरा लाइनर हो गया है कंप्लीट। उसके बाद मैं करूंगी इनर कॉर्नर को हाईलाइट और इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिक्विड हाईलाइटर यूज़ किया है। आप देख सकते हैं लिक्विड हाईलाइटर कितना पॉप आउट हो रहा है। उसके बाद मैंने किया है ब्रोबोन को हाईलाइट। ब्रोबोन को हाईलाइट करने के लिए मैंने पाउडर हाईलाइटर यूज़ किया था, बेक्ड हाईलाइटर जिसे आप कह सकते हैं। सो उसके बाद मैंने लैशेज़ को कर्ल करके मस्कारा कर दिया और अब फाल्सेस भी अप्लाई कर दी हैं। तो ये थे कुछ इजी स्टेप्स जिससे हमने ये ग्रीन हेलो मेकअप क्रिएट किया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा मेकअप पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।